है, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल में हो सकता है, तो आप सीधा फ्रिज पर जाएं, फ्रिज में जाके दूध लें ठंडा, और एक कप दूध जो है वो पी जाएं, थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। लेकिन सभी लोग दूध नहीं पी सकते हैं, सभी लोग कई गुरेज भी करते हैं, कोई दूध पीता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करें, फ्रिज में जाएं दोबारा से और फिर बर्फ लेकर आए, इतना सा टुकड़ा लेके बर्फ का, और उसको अपने सिर पर मसाज कर दें, मालिश कर दें, अच्छी तरह सिकाई कर दें सिर पर उसकी, 5 से 7 मिनट करना, उसके बाद जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के आना, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। यही अन्नाज आर्य साहब के साथ किया गया था, और उनका ब्लड प्रेशर जो है देखते देखते कुछ ही मिनटों में ब्लड प्रेशर जो है वो निचले लेवल पे आ जाएगा। कम से कम आपको एक टाइम मिल जाएगा सुबह तक होने का, कि अगर किसी को कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सके। अब समस्या ये है कि ये बर्फ वाला काम तो हम बाकी दिनों में कर सकते हैं, गर्मियों में कर सकते हैं, बरसातों में कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या करें? सर्दियों में दूसरा तरीका बताता हूं, बहुत जबरदस्त है, टाइम टेस्टेड है, और वाकई उससे भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। सर्दियों में अगर ऐसा हो जाए तो बर्फ की टकोर ये आपको करने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में आपको तकरीबन 4-5 लीटर पानी आप गीजर चला के उसको गर्म कर लें, गर्म मतलब गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज्यादा, जो आपकी स्किन जो है टॉलरेट कर सके, वो पानी लेके आपने आपने दोनों पैर जो हैं वो उसके अंदर डिप कर देने हैं, थोड़ा सा पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रखना, और 15 से 20 मिनट आप उसमें पैर डुबा के रखना, लंबी लंबी सांसें लेना, 15 से 20 मिनट बाद आप जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। बिना चेक किए भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल 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 हो गया, तो आपको ये तकलीफ एकदम 15 से 20 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये इमरजेंसी टेक्निक्स हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वो जो बुजुर्ग बैठे हैं ना घरों के अंदर, और जिनको रात को परेशानी हो जाती है कि भाई अचानक बीपी हाई हो गया तो अब क्या करें, अब तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटल में नहीं भागना पड़ेगा। शेयर कीजिए सबके साथ, वाकई हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।